हेलो गाइस, पर्व मनोराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रहे मधुरा राजा के ट्रेलर का रिएक्शन, जो कि मामूटी जी की मूवी। और लाइक इसका कल से इन लोगों ने बहुत पहले प्रीमियर चालू कर दिया, लाइक 8-9 घंटे पहले प्रीमियर चालू कर दिया, तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई थी, सब वेट कर रहे थे। और आते ही अभी काइंड ऑफ अभी हम सुबह देख रहे हैं तो 2 मिलियन तक इसके व्यूज चले गए रात रात में। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मामूटी जी तो वैसे में पता है बहुत फेमस है। ऊपर से इस मूवी को डायरेक्ट किया है वैशाख जी ने। उन्होंने अपनी पहली मूवी भी मामूटी जी के साथ ही की थी, जिसका नाम था पोखरी राजा। Okay. अब ये मधुरा राजा वो पोखरी राजा के साथ मतलब राजा राजा आना ही है। हाँ, और उससे और उसके बाद उन्होंने 2016 में पुली मुरुगन मूवी डायरेक्ट की थी, मोहनलाल जी की जो पहली मलयालम मूवी थी जिसने 100-150 crores कमाए थे। ओहो, ग्रेट। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रोस किया था। और पुली मुरुगन के बारे में तो हमारे को भी सुनाई दिया था, और बहुत जबरदस्त मूवी रही थी। लाइक उसका हिंदी में शेर का शिकार करके रीमेक भी बना हुआ है। और ये भी न्यूज आई थी कि ना सलमान खान उसका हिंदी रीमेक बनाने के लिए वो लाइक कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मजा आ जाएगा, वो बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। और ऊपर से इसके सिनेमेटोग्राफर की बात की जाए तो शाजी कुमार के सिनेमेटोग्राफर है, जो कि मेनली मलयालम और तमिल इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनकी पुली मुरुगन से वो काफी फेमस हुए थे, उनका वर्क लाइक बहुत नोटेबल था और लोगों ने उनको बहुत अप्रेज किया था, क्रिटिक्स ने भी किया था, इवन फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफी नाम हुआ था। और उसके अलावा उन्होंने फिर जैसे मोहनलाल और उसके बाद में ओडियन, तो लाइक ये 2 मूवीज में सिनेमेटोग्राफी किया, तो वो भी बहुत जबरदस्त थी। मोहनलाल भी काफी अच्छी लगी मूवी का, हमने सॉन्ग देखा था बिल्कुल तो बहुत जबरदस्त था। और ओडियन का भी हमने ट्रेलर देखा था तो वो भी बहुत जबरदस्त था। तो ये देखते हैं, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मामूटी मेगा स्टार। वाओ मैन, मधुर राजा क्या जोरदार लुक है। ग्रेट। जो काम पुलिस वाले नहीं कर पाए वो ये कर रहे हैं मधुरा राजा। है सनी लियोनी, क्या बात है, आइटम नंबर होगा। हाँ, ओहो पीटर है। My God. राजा सोलतान सेवा सही रहते मट्टन दास सुनो। वाह, ग्रेट। पूरा मास ट्रेलर लग रहा है ये भी, बहुत जबरदस्त फाइट सीन्स एंड ऑल। बट अगेन हम लोगों ने सबटाइटल्स को बहुत ज्यादा मिस किया। अगर सबटाइटल्स होते तो और पता लगता वो बोल क्या रहे हैं और चीज क्या चल रही है। बट इस मूवी के काइंड ऑफ इस ट्रेलर से यही पता लगा कि इसमें सैक्रिफाइस और लव और फिर उसके बाद बहुत सारी लाइफ लॉस्ट होगी, और साथ साथ फिर मामूटी जी का एक्शन भी आएगा। तो ये सब चीजों का पूरा मिक्सअप बना के इस ट्रेलर को बनाया गया। और मेनली जो स्टार्ट की गई थी, जैसे वो पुलिस वाले आए थे और पुलिस वाले आके बहुत सारा साफ करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से वो जंगल के अंदर पूरा एक खराबी चल रही थी, तो शायद मेरे ख्याल से वो सेल्स को चेंज करके या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे, खराब कर रहे थे, या तो मेरे ख्याल से गांजा वांजा का कुछ उल्टा ऐसे स्मगलिंग वगलिंग कर रहे थे, तो उनको पुलिस वाले रोकना चाह रहे थे। बट फिर कुछ वजह से वो पुलिस वाले नहीं रोक पाए, तो फिर मधुरा राजा आया। और मधुरा राजा की जो एंट्री करवाएगी बहुत जबरदस्त, जो कमेंट्री कर रहे पीछे की मधुरा राजा ऐसा है वैसा है, तो वो फिर आए तो वो बहुत जबरदस्त, उनके फाइट सीन पे बहुत फोकस किया गया। राजा रिटर्न। पर से ना एक काइंड ऑफ दो तीन स्टोरीज, दो तीन मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी चल रही है। एक तो काइंड ऑफ एक लड़का और एक लड़की है, उनका लव एंगल भी दिखाया जा रहा है, और उसके साथ साथ में बंदे की फाइट्स वगैरह भी आ रही है। एक स्टोरी जो चल रही है वो मामूटी जी की चल रही है, जो काइंड ऑफ वो जंगल वाले जो गलत काम जंगल में चल रहा है, इलीगल जो चल रहा है उसको रोकने के लिए लगे। और एक साइड जो वो जगपति बाबू की चल रही है, लाइक उनकी पॉलिटिकल जर्नी, वो काइंड ऑफ उनकी रैलीज दिखाई जा रही है, और उनका और मामूटी जी का कैसे इंटरेक्शन होता है या दोनों में झगड़ा दुश्मनी किस तरीके से होती है वो।
तो तीनों के तीनों को है ना जिस तरीके से मिक्सअप करके पूरा अच्छा खासा ट्रेलर बनाया गया ना, तो वो लाइक बहुत काबिले तारीफ है, बहुत जबरदस्त था। वही पूरी कल्ट फिल्म लग रही है, जैसे होते हैं कि लाइक पॉलिटिशियन होगा एकदम बैड पॉलिटिशियन और उससे एक सुपर हीरो लड़ने जाएगा, तो वैसी काइंड ऑफ मूवी लग रही है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से स्टोरी का बहुत अच्छे से जैसे तू बता रहा है कि दो तीन स्टोरीज मिक्स की, बिल्कुल, तो वो शायद एक डिफरेंस ले आएगा, क्योंकि वरना तो शायद ये एक मोनोटोनस ना बन जाए कि जैसे हमें पता ही है कि बड़ा हीरो आता है वो आके बड़े विलन को मार के जाता है, बट उसके साथ साथ अगर ये जो अंदर की स्टोरी है जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सैक्रीफाइस देखने में, क्योंकि इस तरीके से सब रो रहे थे या फिर पछता रहे थे कुछ ना कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है बोलते हैं ना जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही जगतपति बाबू को हराने के लिए या तो फिर उनके वो विलेज या एरिया को क्लियर करने के लिए उनको अपना कुछ जाने छोड़नी पड़ रही है या तो किसी ना किसी को खोना पड़ रहा है। और ऊपर से है ना काइंड ऑफ जैसे इमोशनल पार्ट खाली गाँव वालों के साथ और वो जो लड़का और लड़की उनके साथ नहीं आ रहा है, मामूटी जी के साथ भी इमोशनल पार्ट दिखाया जा रहा है कि उनको भी काइंड ऑफ लोग पकड़ रहे हैं, आग वाले सीन्स आ रहे हैं, तो उनको मतलब उनको भी एकदम मेंटली काइंड ऑफ प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इसके अंदर है ना जैसा तूने बताया कि एक वो कल्ट काइंड ऑफ वैसे वो मूवी नहीं बनेगी बड़ा हीरो आके, तो इसके अंदर जो मेन बड़ा हीरो है ना उसका भी इमोशन पार्ट को जिस तरीके से डाला है ना तो वो बहुत जबरदस्त है और मूवी से एकदम काफी अटैच होने का वो मन करता है वो चीज को देख के। वही काफी अच्छा ट्रेलर लगा, बस यही था कि अगर उसमें सबटाइटल और अच्छे से समझ आ जाए। वही आप लोगों को कुछ पता हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, थोड़ा सा हमें स्टोरी बताएगा ट्रेलर में क्या बताना चाह रहे थे, वरना आप लोगों को कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।